जाके तेरे से। कम से कम खुद के रूम तो साफ किया कर, अगर घर नहीं साफ कर सकती तो। बेटी जैसे तो कोई फीलिंग ही नहीं आती है मुझे इस घर में। कम से कम पापा को खाना तो दे। कहा था कोई अच्छा वाला फोन लेके दो, वो तो हुआ नहीं इनसे। परी है ना, कोई बात नहीं सुनती, कोई काम नहीं करती, और उसको कुछ बोलने गए ना तो उल्टे जवाब देती है। छोटी है अभी वो, धीरे धीरे सीख जाएगी। ये कहानी है एक परी की, ना 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 मेरी नहीं, एक परी नाम की लड़की की, जो बहुत ढीठ और जिद्दी लड़की है, जिसे अपने मम्मी पापा के प्यार की कोई कदर नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक जिद्दी लड़की की कहानी। आउट ऑफ सिटी जा रहे, अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खाना और घर का भी ध्यान रखना। कम से कम बाइक को खोल। पर परी ये नहीं जानती थी कि वो उसके मम्मा पापा को आखिरी बार देख रही है। और उस एक्सीडेंट में परी ने अपने मम्मा पापा को खो दिया। और परी का घर भी उसका नहीं रहा। अब उसको ये घर छोड़ के उसके मामा के साथ जाना पड़ेगा। बट मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना है। अब इस घर में तू नहीं रह सकती, ये घर बैंक का हो गया, अपने को जाना ही पड़ेगा। और परी के मामी ने साफ मना कर दिया कि परी इस घर में नहीं रह सकती। वो हमारे साथ रहेगी, तूने उसको कुछ बोलने का नहीं। परी को घर में रहने की परमिशन तो मिल गई, पर परी ये नहीं जानती थी कि उसे इस घर में बहुत तकलीफ होने वाली है। और जैसे ही परी का मामा काम पे चला जाता, परी की मामी उसे बहुत मारती और नौकरों की तरह घर के सारे काम कराती। मम्मी पापा आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मम्मी पापा मैं तो आपसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। आज मैं समझ गई, एक लड़की खुद के घर पे ही परी हो सकती है, किसी और के घर पे नहीं। आप तो सबकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजते रहते हो, मेरी मदद के लिए भी किसी को भेज दो। अब परी ने भगवान से कहा है कि किसी को उसके मदद के लिए भेजो, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें लड़ना पड़ता है, ऐसे हार मान के कोई नहीं जी सकता। मुझे जीना ही नहीं है, तुम तो परी हो, तुम्हारे लिए तो सभी आसान है। तो फिर ठीक है, मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे देती हूँ, आज से तुम भी एक एंजल होगी। क्या सच में मेरे पास एंजल वाले पावर्स होंगे? हाँ, तुम्हारे पास में एंजल के सारे पावर्स होंगे, और अगर तुमने ये पावर्स का मिसयूज़ किया या फिर इस दुनिया में कुछ भी बदलने की कोशिश की, तो तुम्हारे पावर्स तभी ख़त्म हो जाएंगे और तुम एक नॉर्मल गर्ल हो जाओगी। वाओ, मैं तो सचमुच की परी बन गई। अभी मैं सबसे पहले धरती पे चलती हूँ, लेकिन मैं अपने पावर्स से और क्या क्या कर सकती हूँ? अब मैं पास्ट में जाना चाहती हूँ, और मैं उस दिन पे जाना चाहती हूँ जिस दिन मैंने अपने मम्मी पापा को आखिरी बार देखा। बिजी है। वैसे आप और पापा आज बाहर जाने वाले हो ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। इम्पोर्टेंट काम से आज आप बाहर जाओगे, फिर वहाँ क्या होगा मुझे सब पता है। बट आज आप जा नहीं पाओगे। सुन, मैं और तेरे पापा ना 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खाना और घर का भी ध्यान रखना। कम से कम बाइक को खोल। गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी। आखिर परी, तुमने अपने पावर्स का मिसयूज कर ही दिया। अब तुम्हारी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगे। अब मुझे सुपर पावर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सुपर पावर्स तो मेरे मम्मी पापा हैं। तो ये थी एक ज़िद्दी परी की कहानी। मम्मा पापा की कीमत उनके जाने के बाद ही समझ आती है। तो आज ही जाके अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोल देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ये परी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो क्या परी को उसके पावर्स फिर से मिलेंगे? ये आप ही लोग कमेंट्स में बताना।